Hello beautiful people. So in this video we'll create a form that can send a mail to admin or any server of a website for a user suggestion, for user complaint. You have seen a lots of website that have a contact form bottom of that. So without wasting any time, let's get into it. सो आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो फाइल है, index.html एंड style.css. ओके, सो मैंने ये दो फाइल पहले से ही बना रखी है. आपको अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो मेरे प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं ऑन css प्रॉपर्टीज. किसी भी प्रॉपर्टीज में डाउट हो तो मैंने सारी वहाँ एक्सप्लेन कर चुका हूँ. प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है मैंने. ओके, एंड ये मैंने पहले इसलिए बनाया क्योंकि मुझे जनरली फोकस करना है ऑन द जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी, दैट इज smtp.js लाइब्रेरी. ओके, जिससे मेल ट्रांसफर होता है. ओके, सो वही स्टार्ट करते हैं. तो एक आप जा सकते हैं गूगल पे और आप जस्ट टाइप करें smtp.js.com. सो आप देख सकते हैं ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, राइट. इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप है cdn में जाके, ये जो ऑप्शन है cdn, वहाँ पे जो लिंक दिया हुआ है उसको कॉपी करना है और उसको हमारी यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, जूम इन कर देता हूँ. ओके, तो स्क्रिप्ट करके यहाँ पे इसको वेट या सोर्स यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना, राइट. तो ये पेस्ट करने का कारण ये था कि जैसे ही आप इसको पेस्ट करेंगे ये डायरेक्ट उस वेबसाइट से लिंक हो जाएगा और जो भी फंक्शंस होंगे, जो भी मेथड्स होंगे इन दिस लाइब्रेरी ऑफ जावास्क्रिप्ट, वो आप इसको इंपोर्ट करा सकते हैं आसानी से, राइट. तो एक बार मैं हमारी जो फॉर्म है उसका आउटले भी बता देता हूँ आपको कितना कैसा दिखता है. सो ये हमारा फॉर्म है. ओके, इट इज़ अप टू यू. मैंने सिंपली यूज़ किया है फॉर्म नेम, इनपुट लेबल्स, टेक्स्ट एरिया बटन, जो कि बहुत सिंपल एंड ईजी है. और आपको किसी भी डाउट हो तो मेरे वीडियो चेकआउट कर सकते हैं. सो ये मैंने पहला स्टेप कर दिया, राइट. सो अब वापस आएंगे हम उस वेबसाइट पे smtp के और हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे. तो स्क्रॉल डाउन पे हमने ये तो इंक्लूड कर दिया, राइट. फर्स्ट स्टेप वाज टू इंक्लूड द स्क्रिप्ट. ओके, एंड सेकंड स्टेप टू सेंड द ईमेल यूजिंग दिस फॉर्मेट. सो आप ये फॉर्मेट देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्मेट हम कॉपी करते हैं एंड हम यहाँ पे इसको स्क्रिप्ट टैग में पेश कर देते हैं, राइट. तो मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट वीएस कोड का शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट एंड पी, राइट. तो मैं यहाँ कंट्रोल शिफ्ट पी कर देता हूँ तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स आप टाइप करेंगे या आ जाएगा तो ये फॉर्मेट हो जाएगा, राइट. तो आप देख सकते हैं पूरा ईमेल सेंड, होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, बॉडी, ये वेल एक्सप्लेन, राइट. हमें खाली इसमें चेंज करना है. तो smtp.yourrisp.com, यूजर नेम की जगह आप अपने यूजर नेम डाल सकते हैं, पासवर्ड, देम वेबसाइट, और ये सब बाय डिफॉल्ट है. और यहाँ पे हम कोई भी बॉडी और ये सब्जेक्ट है मेल का, और ये अलर्ट मैसेज है अगर सेंड हुआ तो. ये एक पैरामीटर है ईमेल डॉट सेंड मेथड का, जिससे मैसेज आते हैं अकॉर्डिंग टू द एरर और सक्सेस ऑफ कोड. ओके, सो हम देख लेते हैं. और ये जो मेथड है इसको हम एक फंक्शन के अंदर ले लेंगे, फंक्शन सेंड ईमेल. ओके, सो इसको मैं एक फंक्शन के अंदर ले लिया हमने, क्योंकि हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट में कि हमने ये फंक्शन यूज़ किया, राइट. और ये जो नाम है फंक्शन का, हम इसमें ऑन सबमिट वाला इवेंट लगा देंगे, राइट. तो ये रहा मेरा फॉर्म, यहाँ मैं लगा दूंगा ऑन सबमिट या हमारा फंक्शन का नाम है सेंड ईमेल. ओके, सो ये हमारा पूरा js का काम हो चुका है. ओके, अब हमें ये चेंज करना है, हमारा होस्ट, हमारे यूजर नेम, पासवर्ड, टू, फ्रॉम. ओके, सो टू फ्रॉम में ये मैं एक बार यहाँ से ये जो बाय डिफॉल्ट है इसको मैं हटा देता हूँ और सब्जेक्ट की जगह मैं अभी तो बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट ही रख रहा हूँ. ओके, और बाकी का ये बॉडी और ये सब हम बाद में देखेंगे, पर इसमें हेलो लिख देता हूँ, हेलो आई एम यूज़र. ओके, लेट्स सपोज कि यूज़र किसी वेबसाइट में कांटेक्ट करना चाहता है तो वो मैसेज टाइप करेगा तो ये मैसेज होगा, राइट. तो हम ये आगे देखते हैं. तो इसमें एक प्रॉब्लम होती है, एसएमटीपी एज यूजुअल सिंपल मेल को आगे ट्रांसफ़र नहीं करता. ये एक टाइप का प्रोटोकॉल होता है फॉर ट्रांसफरिंग ईमेल्स. ओके, सो इसमें हमें हमारी जो ईमेल है वो वेरीफाई करानी पड़ती है. तो वो वेरीफाई कराने के लिए एक इलास्टिक ईमेल करके एक वेबसाइट है. ओके, लेट मी शो यू.
इलास्टिक ईमेल, ये देखिए आप यहाँ पे इलास्टिक ईमेल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा हाउ टू वेरीफाई आर ईमेल्स। ओके सो प्लीज स्टे इन फोकस। ओके ये लॉगिन मांगेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आप लॉगिन करिए, साइन अप करिए, जस्ट अप टू यू। तो आप देख सकते हैं ये लॉगिन मांग रहा है, तो मैं लॉगिन कर देता हूँ क्योंकि मैंने पहले से इसमें अकाउंट बना रखा है। सो मैं अपने आईडी से लॉगिन कर देता हूँ। सो आफ्टर लॉगिन और साइन अप आपको ये वाली विंडो दिखेगी। ओके उसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे अपलोड कॉन्टैक्ट लिस्ट, क्रिएट टेम्पलेट्स और मैनी मोर। ओके सो आपको जाना है वेरीफाई डोमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी। उसके लिए आपको यहाँ पे ऐड फ्रॉम ईमेल जाना है और आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। मैंने पहले से ही किया हुआ है। ओके सो जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे और आप वेरीफाई ईमेल क्लिक करेंगे, सो आपके पास एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगा ऑन दिस ईमेल आईडी। लेट मी शो यू, मेरे मेल में आया था ये वाला। ओके जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आपके पास वापस ये वाली विंडो ओपन होगी और आपके ये वाला वेरिफिकेशन का टिक ऑन हो जाएगा, राइट। और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसी ईमेल वेरिफिकेशन एंड योर ईमेल इज़ वेरीफाइड। ओके सो सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें जाना है सेटिंग्स पे। ओके आप यहाँ प्रोफाइल से भी सेटिंग्स पे जा सकते हैं। ओके और हमें एसएमटी सर्वर क्रिएट करना है। सो एसएमटी सर्वर क्रिएट करने के लिए उसके लिए क्रेडेंशियल्स चाहिए। उसके क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे जो वेरीफाई ईमेल है वो यहाँ पे इंसर्ट करनी होगी, वो आपको टाइप करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप टाइप करते हैं आपकी ईमेल आईडी, जैसे तो आप देख सकते हैं क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे आप उस चीज़ को क्रिएट करेंगे, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ, मैं जैसे क्रिएट का ऑप्शन करूँगा यहाँ लिख रहा है ऑलरेडी टेकन, तो मैंने एक करा हुआ है। ओके सो जैसे आप क्रिएट करेंगे यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ मेरी, जैसे आप देख सकते हैं मेरा यूज़र नेम, मेरा पासवर्ड, सर्वर और मैंने पोर्ट, और ये सब आपके पास क्रेडेंशियल आ जाएंगे। ओके सो आपको यूज़र नेम की जगह पेस्ट करना है। लेट मी शो यू। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे यूज़र नेम की जगह मैंने अपना यूज़र नेम शो पेश कर दिया है, पासवर्ड मैंने पासवर्ड पेश कर दिया है। ये मेरी जो जो मेरी कंपनी के लेट से मेरी कंपनी की कोई पर्टिकुलर ईमेल आईडी है उसको मैंने यहाँ पेश कर दिया है। ओके एंड मैंने यहाँ पे फ्रॉम, मैंने अभी फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईमेल आईडी ली है, पर आप कोई भी दूसरी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको यूज़र की ईमेल आईडी पे वर्क करवाना है या यूज़र की ईमेल आईडी से आप पे मेल आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे उसका भी कोड लिख देता हूँ, document.getElement by ID और यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे आईडी नहीं। ओके सो ये मैं यहाँ पे कमेंट आउट कर रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में डॉट वैल्यू लगाना मत भूलिएगा क्योंकि एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया है और सब्जेक्ट और यहाँ पे डॉट इसकी जगह में जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैं सिंपली यहाँ लिख देता हूँ हेलो एवरीवन, या फिर लिखते हैं हेलो आई एम यूज़र। कोई भी मैसेज आएगा तो बॉडी पे इंसर्ट हो जाएगा। और अगर आपको जो मैसेज इनपुट करा, जो मैसेज इनपुट दे रहे हैं बाय यूज़र तो वो चाहिए, तो उसके लिए भी document.getElement by ID यहाँ पे आईडी नेम और यहाँ आ जाएगा डॉट वैल्यू करके। सो इसकी वैल्यू आप मैसेज से ले सकते हैं। ओके यहाँ आईडी नेम की जगह मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे जो मैसेज इनपुट कर रहा है यूज़र वो यहाँ पे इंसर्ट होके और आपको बॉडी में शो हो जाएगा। सो इसको एक बार रन करके देखते हैं, यहाँ मैंने सब डाल चुका हूँ। सो उससे पहले वन मोर स्टेप, जो ईमेल आपने जो कंपनी की और किसी भी वेबसाइट की प्रोवाइड कराई है उसका एक सिक्योरिटी इशू होता है, उसको आपको ऑफ करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जैसे आप सेटिंग मैनेज अकाउंट पे जाओगे और ये सिक्योरिटी पे जाओगे, आप नीचे स्क्रॉल करके आप देख सकते हैं लेस सिक्योर ऐप्स एक्सेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलाउ लेस सिक्योर ऐप्स, तो यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ होता है, तो जैसे ही मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये सही रहता है। ओके तो अब मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ अपना नाम वेट अ मिनट विश्वम कॉन्टेक्ट। ओके मेल लेट्स से @gmail.com राइट, और वेट यहाँ पे
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो आई एम क्लाइंट। जैसे मैं सेंड करूँगा तो आप देख सकते हैं मैसेज सेंड का एक ऑप्शन आ सकता है। मैंने बाय डिफॉल्ट मैसेज दिया था, पर आप मैसेज सेंड कोई भी ऑप्शन दे सकते हो, राइट। अब मैं जाऊँगा इसको देखूँगा कि मेरे मेल आया कि नहीं, राइट। सो मैं जाऊँगा जीमेल पे। सो मैं अपनी आईडी देखता हूँ कि मेरे को मैसेज आया कि नहीं आया। और ये मेरी आईडी में स्पैम में आता है हमेशा मैसेज। इसका भी एक तरीका होता है, बट ये फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं स्पैम में इसको बता रहा हूँ आपको, ओके। सो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पैम में मेरे पास एक मेल आया है, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है, और यहाँ पे इलास्टिक मेल का भी दिया हुआ है वेरिफिकेशन, ओके। और यहाँ पे हेलो आई एम यूज़र बॉडी में भी आ गया। और दिस इज़ हाउ वी कैन सेंड ईमेल्स टू अ क्लाइंट। और हम एक फंक्शन बना सकते हैं, हम एक वेल फंक्शनैलिटी फॉर्म बना सकते हैं फॉर अ यूज़र टू शेयर देयर सजेशन और कंप्लेन अबाउट अ वेबसाइट और अबाउट अ कंपनी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट अ लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसे लगी वीडियो एंड आपको फ्यूचर में कैसे वीडियो चाहिए। एंड ऑल्सो गो टू माई जावा सीरीज प्ले लिस्ट विच इज़ ऑन गोइंग इन दिस चैनल एंड वील सी यू नेक्स्ट वीडियो, ओके। टिल देन बाय बाय।